अच्छा चंकी पांडे जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। मैं चंकी पांडे भी नहीं है। अब ये वो वाले अनुराग भी नहीं है, वो वाले पांडे भी नहीं है, फिर कौन है ये? अरे यार ये 104 फीवर वाले हैं। क्या यार 101 फीवर होता है तो हम पास नहीं आते, आप 104 वाले हो? अरे आप एडमिट करवाइए अपने आप को जरा भाई साहब, ये रेडियो पे आते हैं। रेडियो पे आते हैं? रेडियो। ओ कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट। क्या हो? मैं गरीबी समझ सकता हूँ। 200 रुपए रखो, रेडियो भी नहीं, कल से रिक्शा पे आना। ठीक है बेटे, क्या बात है। तो लेजेंड के लिए यहाँ पर इतनी सारी मीडिया आई है बेटे, सबका धन्यवाद कर। धन्यवाद मीडिया। अबे मीडिया को घर पे नहीं भगाना है, प्यार से बोल, है ना। जा एक काम कर, तरन आदर्श जी कहाँ पर है? सर आप मुझ पा कर क्यों बैठे हैं? जा बेटे उनके पाँव छू, एक एक के पाँव छू और सबको धन्यवाद कर कि वो यहाँ पर आए। जा बाबा सभी के पाँव छूने। हाँ बेटे झूलूंगा। आप एक काम कीजिए, आप सब अपने पैर ऊपर कीजिए। अबे उनके पाँव के ऊपर करवा रहा है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये पुष्पा चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। बकवास कर रहा है। खैर लेजेंड साहब, पुष्पा ने जो है 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। देखना ये जो लेजेंड है द फिल्म, सॉरी द लेजेंड, ये जो फिल्म है ये 2000 करोड़ कमाएगी, देखना। कैसे? अरे जब वो पुष्पा ऐसा टेढ़ा चल के 1000 करोड़ कमा सकता है, ये तो क्या चले हैं, क्या चले हैं प्रोमो में। मैं आपकी वॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, एक बार मुझे ये वॉक सिखा दीजिए आप। आइए ये वाला शॉट कैप्चर करो आप लोग यूट्यूब के लिए। यस सर, यस सर। आइए सब चलेंगे, आइए आ जाओ, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे। ओके म्यूजिक, पीछे से, पीछे से सर, यहाँ से हम वॉक करेंगे साथ। आई रियली लव योर वॉक सर। कैसे? म्यूजिक प्लीज। इन्होंने कहा कि पूरा शो यही कर लो, इसलिए हम आ गए। वो वैंकूवर में बैठा हुआ है, आ जाएगा अगले हफ्ते तक। आज इतना खुश हूँ आप डायरेक्टर्स को देख कर। उर्वशी जी आप, मैं बस अपने बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो बेटा है बहुत मेहनती है, हाँ इसने बहुत पैसे कमा के एक अपना आलीशान घर खरीदा है। अब हमें तलाश है एक ऐसी सुंदर और सुशील लड़की की जो इसका घर रेंट पे ले सके। कोई रिश्तेदार होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे। पापा शादी की बात, कोई शादी शुदा होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे। अरे क्या कर रहे पापा, मेरी और इनकी शादी की बात? तेरी और इनकी शादी की बात? दिमाग ढूंढ रहा हूँ, पागल हो गया क्या तू? इनसे शादी करेगा और वो तेरे से शादी करेगी? खा खा के ढकोसला हो गया है। क्या हो गया? ढकोसला? बाबा साफ साफ
तुमने कह दिया कि मैं मोटा हूं, कह दीजिए मैं मान रहा हूं कि मैं मोटा हूं, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं, यहां पर जितने भी लोग मौजूद है मैं आपको सच कहता हूं, मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। सच में कौन है यहां पर? सर आप ही मानेंगे मेरी बात, मोटापा जीवन का सच्चा साथी। आपके लाइफ में पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। मैं सच कह रहा हूं, मोटापा कुदरत की एक नायाब देन है, वो एक्सरसाइज करके इसे नष्ट ना करें। देखिए मुंबई सिटी तो अभी बनी है, ओबेसिटी पहले से थी आज भी है और हमेशा रहेगी। अफवाह कर रहा है लोगों, क्या मोटापे के बारे में बोल रहा है? मैं जा रहा हूँ, मानते नहीं बात, कोई नहीं मानता, सिर्फ बकवास नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे पापा? वापस जा रहा हूँ। सुन है, मेरे पीछे मत आना, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ समझा। लेकिन साहब आपको पता है मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ क्या? अब ये क्या बात कर रहे हैं, सब लोग अकेले ही नाते हैं। नहीं बेटे, तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे नहलाया करता था। आप जब छोटे होते कोई ना कोई नहलाता है। अच्छा हाँ, तो जब मैं छोटा था तूने मुझे आके क्यों नहीं नहलाया? पापा तब मैं था ही नहीं। भाई तो था नहीं, कहाँ चला गया था तू? पापा मैं आया ही नहीं था। आया नहीं था, तेरा छोटा सा बाप वहाँ बाथरूम में नहा रहा है, अगर फिसल के गिर जाता हो जाता कहाँ चला जाता तू? अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था। ए पापा बात ही नहीं करते मुझे। अरे अरे पापा सुनिए मेरी बात तो सुनिए।